हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो है हल्दी वाले दूध पीने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आपने सुना होगा हल्दी का दूध पीना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी का दूध कितना पीना चाहिए, कैसे इसे बनाते हैं, कब पीना चाहिए, कौन सा ऐसा टाइम होता है जब हल्दी का दूध पीना सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। क्या आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता है? अगर नहीं पता, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप पीते हैं तो बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर आप नहीं पीते हैं तो आज से हल्दी वाला दूध पीना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, स्पेशली जैसे आपको स्किन की प्रॉब्लम है उसके लिए अच्छा होगा, स्पेशली हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिनको ये ठीक करता है। तो हम हल्दी के दूध पीने के फायदे के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे, और ये भी लास्ट में बात करेंगे कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, किस अमाउंट में इसका यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हेल्थ बेनिफिट है वो है डाइजेशन। अगर आप हल्दी का दूध पीते हैं तो ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके डाइजेशन को हेल्थी रखता है। मतलब जैसे कि अगर फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है उसको फास्ट करता है, और हमारे स्टमक से प्रॉपरली एंजाइम का सिक्रेशन हो पाए उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेशन को ये फास्ट करता है। तो अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपने डाइजेशन को और ज़्यादा हेल्थी रखने के लिए आप हल्दी का दूध पी सकते हैं। नेक्स्ट जो हेल्थ बेनिफिट है वो है जॉइंट पेन। मतलब अगर आपके जोड़ों में दर्द है, जॉइंट्स में कहीं पर भी पेन है, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आप हल्दी का दूध पी सकते हैं। आप दूध पी रहे हैं, हल्दी ले रहे हैं, हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन पाया जाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो ये ऑटोमेटिक बॉडी में कहीं पे भी इंफ्लेमेशन नहीं होने देगा। और उसके साथ साथ आप दूध ले रहे हैं, दूध के अंदर कैल्शियम होता है और प्रोटीन होता है, फॉस्फोरस होता है, और भी बहुत सारे जो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं। तो अगर आप दोनों को मिक्सअप करके और उसका दूध पी रहे हैं तो ये आपके जॉइंट पेन के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा है, आपकी बोन्स के लिए अच्छा है। अगला जो हेल्थ बेनिफिट है वो है इम्प्रूव द स्लीपिंग पैटर्न। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, जिसको भी नींद की प्रॉब्लम है, वो आज से ही हल्दी वाला दूध पीना स्टार्ट कर दे। उसकी जो स्लीपिंग पैटर्न प्रॉब्लम है, जो नींद ना आने की प्रॉब्लम है, वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो सकती है। नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट है वो है कैंसर। कर्क्यूमिन आप ले रहे हैं, हल्दी के द्वारा आपको कर्क्यूमिन मिल रहा है, तो वैसे तो वो कैंसरियस सेल्स जो होती हैं उनसे फाइट करता है, कैंसर कॉजिंग जो पैथोजेंस होते हैं उनसे फाइट करता है। तो आप हल्दी, अगर हल्दी वाला दूध पी रहे हैं तो इससे जो है आपके अंदर कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है वो है स्ट्रॉन्ग द बोन। आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है, अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी आप हल्दी का दूध पी सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है वो है डायबिटीज़। अगर कोई भी डायबिटिक पेशेंट है वो भी हल्दी का दूध पी सकता है, धीरे धीरे उसका ग्लूकोज लेवल अपने आप कंट्रोल हो सकता है, जिससे जो है उसका डायबिटिक लेवल भी धीरे धीरे कंट्रोल हो सकता है। अगर प्री डायबिटिक है, मतलब अभी डायबिटिक स्टार्टिंग है या डायबिटीज़ हुआ भी नहीं, मतलब स्टार्ट ही हो रहा है पूरी तरीके से, तो वो हल्दी वाला दूध पीना स्टार्ट कर दीजिए, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अगला बेनिफिट है वो है वेट लॉस। जिसको जो भी अपना वेट कम करना चाहता है, अपना वेट कंट्रोल करना चाहता है, वो भी रात में खाना मत खाए, सिर्फ और सिर्फ एक ग्लास हल्दी का दूध पीकर सो जाए, धीरे धीरे उसका वेट भी कंट्रोल में आ जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कॉमन कोल्ड। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको जुखाम बहुत जल्दी जल्दी होता है, हफ्ते में एक बार जुखाम हो जाता है, फिर दो तीन दिन तक रहता है, फिर जुखाम हो जाता है दो तीन दिन बाद, फिर रहता है फिर दो तीन दिन बाद, ऐसे बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो वो आज से हल्दी वाला दूध पीना स्टार्ट कर दे। जो कॉमन कोल्ड जल्दी जल्दी हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी तो आपकी बॉडी किसी भी प्रकार के पैथोजन से फाइट कर सकती है। नेक्स्ट बेनिफिट है वो है हार्ट हेल्थी। अगर आप अपने हार्ट को हेल्थी रखना चाहते हैं तो जितनी भी हेल्थी चीज़ होती है, जितने भी हेल्थी फूड आइटम्स होते हैं, बस उनका यूज़ करिए, आपके हार्ट को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो आपको कभी हार्ट अटैक आएगा, ना तो आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती। स्पेशली ठंडियों में हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उस समय भी आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, हार्ट आपका हेल्थी रहेगा, कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। नेक्स्ट
बेनिफिट है वो है रिड्यूस द इन्फ्लामेशन। बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लामेशन है, किसी कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बॉडी में कोई फंक्शन डिस्टर्ब हो गया या बॉडी का कोई ऑर्गन डिस्टर्ब हो गया जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लामेशन हो सकती है, तो आप हल्दी ले रहे हैं तो आपको करक्यूमिन मिल रहा है, आप मिल्क ले रहे हैं उससे आपको कैल्शियम मिल रहा है, और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, तो बॉडी में कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई इन्फ्लामेशन होगी ही नहीं। नेक्स्ट बेनिफिट है वो है ब्रेन पावर, मतलब अपने दिमाग की पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए भी आप हल्दी का दूध पी सकते हैं। अगला बेनिफिट है वो है इम्यूनिटी बूस्ट, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ताकि आपकी बॉडी किसी भी प्रकार के पैथोजन से फाइट कर सके। पैथोजन क्या होता है, जो डिजीज कॉज करते हैं, ताकि आप पे ना तो कोई किसी प्रकार का कोई वायरस अटैक कर सके, ना तो बैक्टीरिया, ना तो प्रोटोजो, मतलब कोई भी जो है कोई भी पैथोजन अटैक ना कर सके, उसके लिए क्या होना चाहिए, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होनी चाहिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हल्दी का दूध अगर आप पीते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट बेनिफिट है वो है पीरियड पेन, अगर पीरियड के समय मेंस्ट्रुएशन के समय आपको किसी भी प्रकार का कोई दर्द है, जैसे कि ज़्यादातर ये पेन ठंडियों में होता है, जैसे प्रॉपरली जो है ब्लड का सिक्रीशन नहीं हो पाता है, ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो अगर आप हल्दी वाला दूध पीते हैं तो इससे आपका जो ब्लड सिक्रीट हो रहा है वो बहुत ही मतलब फ्रीली सिक्रीट होता है, जिससे जो आपको पीरियड के समय पेन नहीं होता है, और अगर आपकी डाइट भी हेल्थी रहेगी तब भी आपको मेंस्ट्रुएशन के समय किसी प्रकार का कोई पेन नहीं होता। तो जिस भी फीमेल के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, मेंस्ट्रुएशन के समय पेन होता है, उसके लिए आप हल्दी वाला दूध पीना आज से स्टार्ट कर दीजिए, ये पेन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप मेडिसिन लेंगे वो कोई मतलब इलाज ही नहीं है, वो जो पेन होता है वो आपकी डाइट अगर प्रॉपर नहीं उसकी वजह से होता है, या फिर आप किसी प्रकार का कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से वो पेन होता है। तो इसके लिए आप हल्दी वाला दूध पीना स्टार्ट कर दीजिए, कभी भी आपको मेंस्ट्रुएशन के समय किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होगा। लास्ट जो बेनिफिट है वो है गुड फॉर स्किन, और हल्दी और दूध दोनों ही चीज हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। बहुत लोग होते हैं हल्दी और दूध को अपने फेस पे भी लगाते हैं, इनडायरेक्टली लगाते हैं, बहुत लोग होते हैं उसका सेवन भी करते हैं, तो अगर आप हल्दी वाला दूध भी पी रहे हैं तो आपकी स्किन हेल्थी रहती है, आपकी स्किन ब्राइट होती है, स्किन में शाइनिंग आती है, पिंपल्स, एक्ने, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो आपको पता चल गया कि हल्दी वाले दूध पीने के क्या क्या फायदे होते हैं। अगर नहीं पीते हैं तो आज से हल्दी वाला दूध पीना स्टार्ट कर दीजिए, आपको भी वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो हमने आज आपके साथ शेयर किए। अब चलिए बात करते हैं कि इन दोनों के अंदर क्या क्या पाया जाता है। इन दोनों के अंदर मिला के एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, दोनों के अंदर ही एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। इसका यूज करने से क्या होगा, बॉडी में किसी प्रकार की कोई भी इंफ्लेमेशन नहीं होती। इसके अंदर प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फाइबर होता है, सुक्रोज, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम, सेलेनियम, फॉस्फोरस एंड करक्यूमिन, तो इतने सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ हल्दी और दूध पीने की। तो आप कब पीना चाहिए हल्दी और दूध, कितना पीना चाहिए, आपके घर में किसी भी मीडियम साइज का एक ग्लास होगा, उस ग्लास को ले लीजिए, उसको भर के मतलब पूरा ग्लास भरा हुआ आपको दूध ले लीजिए। अगर आपको गाय का दूध मिल रहा है बहुत अच्छा है, सबसे बेस्ट होता है गाय का दूध, नहीं मिल रहा है या आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप जो है बफेलो जो है भैंस का भी दूध ले सकते हैं। तो आप भैंस का दूध लीजिए, गाय का दूध, दोनों में से कोई भी दूध ले लीजिए, उसमें कोई नहीं डिसाइडेड नहीं कि उसी का दूध हमें पीना है। लेकिन अगर आपको गाय का मिल रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि गाय के दूध में ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो दोनों में से कोई दूध ले लीजिए, एक ग्लास आपको दूध लेना है, उसमें चुटकी भर दिया, तो फिर आपके घर में कोई चाय पत्ती वाला चम्मच होगा जिससे चाय पत्ती आप डालते होंगे चाय में, उस चम्मच का आधा चम्मच आपको जो है हल्दी लेनी है, उसको दूध में डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी मिक्सअप कर दीजिए उस दूध में, उसके बाद थोड़ी देर तक बॉईल करिए, कम से कम 5 मिनट बॉईल करना है ताकि अच्छे से जो है उस दूध के अंदर हल्दी मिल जाए। जब दूध के अंदर हल्दी अच्छे से मिल जाए तो आप उस दूध का सेवन कर सकते हैं। अगर आप हर दिन एक ग्लास, रात में खाना मत खाइए, सिर्फ और सिर्फ एक ग्लास हल्दी वाला दूध पीकर सोइए, आपका डाइजेशन भी हेल्थी रहता है और उसके साथ साथ आपके बॉडी से अनेक प्रकार की बीमारियां भी पूरी तरीके से खत्म हो सकती हैं। तो आज से हल्दी का दूध पीजिए, अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखिए, अपनी बॉडी को डिजीज फ्री रखिए। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।